बेरमो अनुमंडल अंतर्गत गोमिया थाना क्षेत्र के ग्राम होसिर में गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से गांजा तस्करी के लिए ले जाते हुए मोहन प्रसाद उम्र करीब 59 वर्ष पिता स्वर्गीय गोपेश्वर प्रसाद ग्राम पटवा टोला होसिर थाना गोमिया जिला बोकारो के पास से 160 पुड़िया गांजा जब्त किया गया। वहीं गिरफ्तार महेंद्र प्रसाद साडम बाजार में खैनी का दुकान चलाता है। आज उसकी खैनी दुकान में बेचने के लिए गांजा अपने दुकान में ले जा रहा था। उसी क्रम में गोमिया थाना प्रभारी नित्यानंद भोक्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह के निर्देश पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर छापेमारी में गिरफ्तारी की जानकारी दी। वहीं श्री सिंह ने बताया कि एक थैले में कुल छोटा बड़ा 160 गांजा का पुड़िया, जिसका कुल वजन 870 ग्राम के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू और दो चिलम बरामद किया है। वहीं छापेमारी में पुलिस अवध निरीक्षक अरुण कुमार, पुलिस अवध निरीक्षक बिरसा बारा सहित थाना के सशस्त्र बल के जवान कमेश यादव, समीम अंसारी, संदीप हांसदा, धर्मेंद्र रवानी सहित अन्य जवान मौजूद थे। बेरमो से मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट।